पटिया स्टार्टअप जोन की गूंज देश विदेश में सुनाई दे रही है। त्योहारी मौसम में यहां के उद्यमियों की जोरदार बिक्री हुई है। उद्यमियों का टर्नओवर पिछले साल के मुकाबले इस बार दोगुना हो चुका है। जो कभी वर्कर थे आज खुद उद्यमी बनकर कामयाबी के झंडे गाड़ चुके हैं। चनपटिया स्टार्टअप जोन ने बिखेरी चमक। त्योहार में उत्पादों की बिक्री की तेज रफ्तार। तस्वीरें चनपटिया स्टार्टअप जोन की हैं। उत्पादन जोरों पर है क्योंकि बिक्री बेधड़क हो रही है। स्टार्टअप जोन के उद्यमी खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि त्योहार के मौसम में बिक्री जोरदार हुई है। एक महिला उद्यमी की माने तो दीपावली पर 25 से 30 लाख की बिक्री हुई। इस साल तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। हम मजदूर से मालिक बने हुए हैं। दीपावली में इस बार मेरा 25 से 30 लाख का सेल अभी तक हुआ है और मेरा इस साल का भी अभी तक का टर्नओवर 80 लाख तक हुआ है। मैं लुधियाना से कोरोना काल में आया था और कोरोना काल के बाद से जब हम लोगों को मीटिंग से बुलाया गया, यहाँ पे हम लोगों को कंपनी की सेटिंग वगैरह सब कुछ कराई गई, तो पहले 5 मशीन में लगा करके काम करता था। अभी के दौर में मुझे लुधियाना से, पार्टी तो है मुंबई का लेकिन लुधियाना से वो पहले काम कराता था, तो अब मैं लुधियाना से ये 10,000 जैकेट आया था और 10,000 जैकेट में से 9,500 जैकेट बना के मैं भेज दिया हूँ। 500 जैकेट और रह गया है जो आगे 2-3 दिन के अंदर में इसको माल भेज देना है और हमारा ट्रांजेक्शन इधर 1 से 1.5 महीने के अंदर में 8-9 लाख रुपये का भी हुआ है और पूरे साल का लगभग 15-16 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन हमारा हुआ है। सर, मैं ओम प्रकाश यहाँ का अध्यक्ष हूँ। हमारे 57 फैक्ट्री है और इस दिवाली में हम लोगों का तो समझिए कि धन वर्षा हो रही है। वो पिछले साल जो हम लोग कमाए थे, बेचे थे, उससे हमारा 3 गुना समझिए कि टर्नओवर इस साल मतलब हो जाएगा। ये दिवाली से पहले ही हमारा मतलब रोज का माल मतलब कम से कम अगर स्टार्टअप जोन से जा रहा होगा तो 10 से 15 लाख का रोज माल जा रहा होगा। अब आगे और हम बढ़ाते जाएंगे। कई और उद्यमी हैं जो बता रहे हैं कि इस बार बम्पर बिक्री हुई है और टर्नओवर पहले से काफी बढ़ चुका है। बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मुझे तो लगता है इस बार साक्षात लक्ष्मी देवी हम स्टार्टअप जोन चनपटिया के उद्यमियों पे मेहरबान हो गई है। जो हमने पिछले साल में जितना बेचा था वो हमने इस 6 महीने में ही बेच लिया है और अभी इस महीने में हमने अक्टूबर महीने में ही सिर्फ 25 लाख का सेल किया हुआ है और आगे मुझे लगता है कि ये पूरे साल हम लोग 1.5 से 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन लेके जाएंगे। पिछले एक हफ्ते में हम लोग कम से कम 30 लाख रुपये का माल सेल कर चुके हैं। ठीक है, इस साल हमको लगता है कि मतलब 80 से 85 लाख का टर्नओवर जाएगा हमारा और एक हम लोग मजदूर से आज मालिक बने हैं। इस समय हम चनपटिया स्टार्टअप जोन में हैं और इस स्टार्टअप जोन का पूरे देश में डंका बज रहा है। दिवाली और छठ के अवसर पर यहाँ पर धन वर्षा हो रही है। यहाँ पर एक एक उद्यमी एक सप्ताह और एक महीने में 30 से 50 लाख का अपना माल सेल कर चुके हैं। पिछले वर्ष इस चनपटिया स्टार्टअप जोन से 15 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ था लेकिन इस वर्ष इस स्टार्टअप जोन से 40 से 45 करोड़ का ट्रांजेक्शन होने की उम्मीद है। ये वो लोग हैं जो कोरोना काल में नौकरी और काम धंधा गवाकर घर लौटकर आए थे। इन्हें खुद का रोजगार दिलाने के लिए चनपटिया स्टार्टअप जोन की शुरुआत की गई थी। सरकार की योजना को डीएम कुंदन कुमार अपने प्रयासों से साकार कर दिखाया। आज यहाँ के उद्यमी देश विदेश में उत्पाद भेज रहे हैं। कोविड-19 की जो महामारी आई उसके बाद 2020 में, उसके बाद सूरत, लुधियाना, अमृतसर जैसे जगहों से काफ़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में पश्चिम चंपारण जिले में लोग वापस आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत स्पष्ट विजन था और बहुत स्पष्ट निर्देश था कि ये जो लोग वापस आ रहे हैं उनको यहाँ काम दिया जाए, यहाँ ही कैसे उनके जो है आजीविका की व्यवस्था बनाई जाए। और उसी को देखते हुए और उनके निर्देश को देखते हुए यहाँ पे एक बड़े स्टार्टअप जोन की स्थापना की गई। उसी दौरान में लॉकडाउन के ही समय में ये सारी चीज़ें हुई और जो स्टार्टअप जोन में लगभग 58 स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई और लगातार जो वर्कर्स आए थे वो ओनर बने हैं और लगातार जो है उनके बिक्री बढ़ रही है और देश के अलग अलग पार्ट्स में और इंक्लूडिंग विदेशों में भी
मलेशिया, इंडोनेशिया, स्पेन जैसे जगहों में भी ये लोग भेज रहे हैं चीजों को। जहां उद्योग धंधे की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहां आज चनपटिया स्टार्टअप जोन है, जहां दिन रात उत्पादन हो रहा है और इसकी गूंज देश विदेश में सुनी जा रही है। धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, बेतिया। और चलिए वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, लौटते हैं फौरन।